Haridwar. The city is situated on the right bank of the Ganga River at the foothills of Shivalik Ranges. Haridwar is regarded as a holy place for Hindus, most importantly hosts the religious events. Hello guys, welcome back to my vlog. So अभी हम आए हैं हरिद्वार और अभी हम हैं हर की पौड़ी पर और यहाँ पे जो लोकल मार्केट है अभी हम वहाँ जाने वाले। मेरे साथ है टुंची। हेलो। अभी हम जाते हैं और एक्सप्लोर करेंगे यहाँ की लोकल चीज़ें और जो जो यहाँ पे होता है। और अभी यहाँ पे सफाई चल रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बच्चे हैं गंगा की सफाई कर रहे हैं, जो पैकेट्स वगैरह आप लोग फेंक के जाते हैं यहाँ पे, तो ये सब मत करो यहाँ पे। ये है मेरा होम टाउन हरिद्वार और इस टाइम पर हम हैं हर की पौड़ी पे। हरिद्वार बहुत ही बड़ा धार्मिक स्थल है और यहाँ पे पूरा साल भीड़ रहती है। कोई अपने पूर्वजों को, कोई गंगा स्नान और कोई घूमने के लिए यहाँ पे। और जैसे कि हम हर की पौड़ी आए ना टिंटी, हाँ, तो जो ये एरिया है तो ये कुछ ही एरिया में माना जाता है प्रॉपर जो हर की पौड़ी है, क्योंकि यहीं पे अमृत गिरा था। अच्छा। इसलिए यहाँ पे लोग यहीं प्रीफर करते हैं। हाँ, तभी मेन कुछ एरिया ही है, मतलब पूरी हर की पौड़ी अब तो करते हैं पर मेन जो है मेन यही है एरिया, तो ये यहाँ पे है जहाँ पे सारे पंडित वगैरह बैठे हैं। और ये मंदिर है यहाँ पे और ये यहाँ का घंटा घर है और यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं और हम यहाँ इधर वाले बिल्कुल नहीं आते। ये आई है इसके चक्कर में, तो मैं आपसे आई भी हूँ। पिछली बार मेरी जो दूसरी फ्रेंड आई थी उसके साथ आई थी और अब आई। ब्रह्मकुंड जिसमें जहाँ पे अमृत गिरा था, तो वही यहाँ पे मेन इलाका है। कौन सा बोले थे? ब्रह्मकुंड। अच्छा लग रहा है, शांति सी, पीस अच्छा लग रहा है, पॉजिटिविटी सब यही फील हो रहा है। और टिंसी को टीका भी लग गया आखिरकार, कब से कह रही है टिंसी टीका लगवाते हैं। अब हमने सबसे पहले करे हैं दर्शन, आप सबको लेके चलते हैं हरिद्वार की गलियों में, यहाँ का अच्छा अच्छा पुरानी पुरानी शॉप का खाना खिलाते हैं और टिमसी को भी खिलाती हूँ। पौड़ी आते जिसको हम लेके जाते हैं, उसमें आग लगाते हैं और फिर ये बोट पानी में चलती है। सही है वैसे ये। यहाँ पे यही चीज़ 450 की बताई हमें। एक जगह पे 1700-1800 समथिंग का था और यहाँ पे हमें 350। ये होता है शॉप ये लोगों को लूटने के, इवन हम लोग बोल रहे हैं उनको लोकल होने के बावजूद भी इन लोगों को लगता है। हाँ टूरिस्ट आते हैं ना, इसीलिए उनकी भी गलती है। चलो कोई नहीं। चूड़ी, कंगन, इयर रिंग्स, कुर्ता, माला जपने की माला सब ले ले। हेलो, ये दोनों ने सेम सेम लिया है अभी भैया, दो सेम सेम लिया हम दोनों ने। ये कढ़ाई जितनी बड़ी दिख रही है ये उससे भी बहुत बड़ी है, इवन कि मैंने पहली बार देखी। और ये दूध बेच रहे हैं, फेमस शॉप है मथुरा वाला इनके यहाँ का। यहाँ पे अभी आपको एक मस्त आइटम दिखाती हूँ, यहाँ पे मिलता है ये मलाई, ये वाला मलाई का समोसा, मलाई वाले ना। हाँ मलाई वाले समोसा लेते हैं, एक लेते हैं। 100 साल से बाप रे, तो मतलब ये सबसे पुरानी शॉप है सबसे, ये मथुरा वाला। अच्छा आदित्य टेस्ट कर रही है मलाई के अंदर कुछ फीलिंग है। अच्छा अच्छा कैसा है? मैं भी टेस्ट करती हूँ। इन्होंने वो भर रखा पता है, कई होता है ये सब आइटम। मावा है, मावा
ढाबा है जहाँ पे लस्सी बहुत फेमस है, मथुरा वाले की लस्सी, एकदम मलाई मार के मक्खी मिले, लस्सी मिले, मक्खी मिलेगी मैं कह रही हूँ। हम दो गलत दुकानों पे घुस गए और वहीं पे नहीं थी वो सेम चीज़ कि मलाई मार के मलाई मलाई नहीं मिल रही हमें और मक्खी मार के तो हमारा हो गया। यहाँ पे एक नया सा कुछ वेजिटेबल देखी, मुझे इसका नाम नहीं पता, अगर आप लोगों को पता है तो उसमें लिंक में कमेंट सेक्शन में बताना कि ये क्या चीज़ है। बहुत पुरानी धर्मशाला है यहाँ पे, जो धर्मशाला ये 1980 की है और ये बहुत ही पुरानी है। इसमें अंदर जाके पीपल का पेड़ भी मुझे यहाँ से दिख रहा है। सेम ऐसा पोस्टर लगा हुआ, हम उसी दुकान पे आ गए हैं घूमते फिरते और अब खाएंगे हम मलाई मार के, आपको मिल ही जानी चाहिए। भैया मलाई वाली लस्सी भी एक दे दो। कैसा रिव्यू था लस्सी, कैसी थी? ठंडक। हम आ गए हैं दूसरी अपनी शॉप पे, भगवती छोले भंडार, ये बहुत फेमस है यहाँ पे, तो अब देखते हैं इसका भी ट्राई करके क्या है। ये पुरानी शॉप है, 75 साल पुरानी, 75। चलो क्या है सबसे बढ़िया भैया, वही खिला दो। चावल एक छोले भटूरे दे दो, एक ही करना। तो यहाँ पे शॉप पे मिला है हमें छोले, छोले बहुत तीखे लग रहे हैं और यहाँ पे ये पानी मिलता है, छोले का पानी होता है, छोले का पानी पी के देख, और ये गर्म हो रहा है, पी 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 हल्का सा पी के देख। अच्छा ये मतलब ये जो छोले बनाते हैं ना जिसमें उसी का पानी होता है। अच्छा अगर ड्राई हो जाए तो आप डाल सकते हैं। नहीं नहीं ड्राई नहीं, ये पीने के लिए होता है, जैसे डाइजेशन के लिए अच्छा होता है ये। चल टेस्ट करके देख, 25 इयर्स पुरानी शॉप पे देखते हैं कैसा टेस्ट है इसका। ठीक है, लगभग छोड़ ही दिया है क्योंकि अभी बताती हूँ मैं। तुझे छोले कुलचे कैसे लगे? मतलब इतने वर्थ इट नहीं थे। वर्थ इट क्या, मेरे को तो अच्छा नहीं लगा टेस्ट। सही में नहीं, सही में इतना जो इसका नाम है ना, इससे अच्छा कहीं और जगह अच्छा तो मेरे घर के पास मिलता है। तुम अक्के चलो भाई, अपनी पूंछ से ना मार दे। साइड चलिए साइड। श्रृंगेरी इस दुकान पे क्यों इतनी भीड़ है मैं भी आपको दिखाती हूँ। जो इसके आके समोसे हैं, कितने लंबे लंबे समोसे हैं यहाँ पे। हमें साधु तो बहुत था, हमारे पेट में जगह तो नहीं है। भी चार कच्चे कड़े यही हैं। तो ये कुत्ता ले रहा है, मस्त सो रहा है। जब कुंभ हुआ था तो उस टाइम पे ये सब पुल बनाए गए थे क्योंकि एक साइड से दूसरी साइड जाने के लिए रास्ता बहुत कम है और जल्दी जल्दी लोगों को निकालने के लिए इसलिए ये पुल सारे बनाए गए। अभी हो रहा है 5:10 और आरती है 6:45 पे और यहाँ पे लोग अभी से बैठना शुरू हो गए हैं, इतनी धूप में बैठ गए हैं यहाँ पे लोग आरती देखने के लिए। हम उधर ही चलते हैं, वहाँ पे अच्छा व्यू आता है। कर दो बेटा आगे।
सेटिंग थी, अभी हम हो गए थे। इसको अलग ही भावनाएं जागी हैं कि तो अभी हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे आरती का, और अभी टाइम हो रहा है 5:30 और 6:45 पे आरती है, तो इतनी देर हम यहीं बैठेंगे अब गंगा जी गंगा जी की आरती पूजा में माँ गंगा जी के चरणों में भेंट घाट जो होता है। ये जो क्राउड है हर की पौड़ी पे नॉर्मल डे पे, आप इमेजिन करो कि जब कुंभ था और जब कुछ नहान होता है तो यहाँ पे कितनी भीड़ होती होगी। कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा, सबको आना चाहिए गंगा आरती ले लेते हैं, इतनी देर में आरती तो ले लेनी चाहिए। बड़ी मुसीबत है, तगड़ी भसड़ हो रही है, बहुत रश था। फाइनली आरती लेके आए, बस वही बहुत अच्छा। चलो बढ़िया, अब चलते हैं। अब आरती वगैरह करने के बाद हम आए डिनर करने, उसके बाद फिर हम जाते हैं घर, तो खाते हो फिर मिलते हैं आपको बाद में। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।